तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है? क्या टर्म इंश्योरेंस होता है? कितने टाइप के टर्म इंश्योरेंस हो सकते हैं? और टर्म इंश्योरेंस लेते हुए आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? इन सारी चीजों में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखिए, नाम से जैसे इसके समझ आता है, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टर्म के लिए ये इंश्योरेंस लिया जाता है। एक स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, एज के लिए ये टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, जिसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे आपकी फैमिली को एक लमसम बड़ा अमाउंट मिलता है। अब ये नॉर्मल जो हमारे लाइफ इंश्योरेंसेस होते हैं उससे अलग कैसे होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो मेजरली एक डिफरेंस होता है कि हम जो LIC में इंश्योरेंस कर रहे हैं या कोई और लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वहां पर होता क्या है कि हमें एक बड़ा अमाउंट का प्रीमियम, लाख 1.25 लाख रुपए, 50,000, 60,000 रुपए पर मंथ के देने होते हैं। और वो जो इंश्योरेंस जब खत्म होता है तो हमें 20-30 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम ज्यादा जाता है, लेकिन हमारी डेथ के केस में जो अमाउंट हमारे को, हमारी फैमिली को मिलता है वो कम मिलता है, लेकिन सेविंग वहां पर साथ में हो जाती है। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है पर्टिकुलरली, ये प्योरली आपकी लाइफ की, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के एंगल से रखा गया है। अब ये जरूरी क्यों है? तो देखिए, अगर आप कोई ऐसा इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें आप साल के 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देकर 20-25 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे, तो उसका कोई रियल मायने में फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको, अगर आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर हैं, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं और आपको कल को कुछ हो जाता है, तो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली सेफ और सिक्योर कैसे रहे मनी वाइज, तो उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस का सहारा लेना जरूरी है, ताकि आपके जाने के बाद भी जो आपने सपने अपनी फैमिली के लिए देखे हैं, जो भी चीजें आप फैमिली के लिए करना चाहते हैं, वो आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी पूरी कर सके। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए जरूरी हो जाता है। और साथ में अगर आप टर्म इंश्योरेंस की पर्टिकुलर बात करेंगे, आपको 500, 600, 1,000 रुपए तक पर मंथ में 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस यहां पर मिल जाता है, जो कि प्योरली आपको अपनी टर्म्स के हिसाब से यहां पर मिलता है। अब टर्म इंश्योरेंस पहले एक ही तरीके के हुआ करते थे, जिसमें आप 60 साल, 70 साल की उम्र तक या फिर लाइफ टाइम तक के लिए भी एक इंश्योरेंस ले सकते थे। अब धीरे धीरे टाइम के साथ तीन टाइप के टर्म इंश्योरेंस आने लगे। मेजर ब्रॉड कैटेगरीज की हम बात करें, पहला आपका ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस। यहां पर होता क्या है, आप एक फिक्स टर्म्स के लिए, मान लीजिए आप आज 60 साल की उम्र तक के लिए टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं और आप वो कराकर छोड़ देते हैं। आज आप 30 साल के हैं तो 30 साल तक आपको एक फिक्स अमाउंट का प्रीमियम देना होगा। अगर 60 साल तक आपको कुछ नहीं होता है तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है, और अगर आपको उससे पहले आपकी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में कोई डेथ हो जाती है, तो आपको पूरा जो आपने जितना भी अमाउंट का इंश्योरेंस लिया होगा वो आपकी फैमिली को मिल जाता है। अब दो टाइप के नए इंश्योरेंसेस भी यहां पर शुरू हुए हैं। पहला है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जो एंटायर प्रीमियम अमाउंट है आपके प्लान में, वो आपको वापस मिल जाता है जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है। लेकिन इसमें आपका एक तो दो तीन चीजें आपको यहाँ पर साथ में समझनी है। एक तो GST जो आपने साथ में पे किया होगा वो माइनस हो जाता है, और दूसरा अगर आपने 30 साल तक कोई प्रीमियम पे किया है तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो इन्फ्लेशन वाला अमाउंट यहाँ पर लॉस होता है। लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली एक सेफर वर्जन यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का निकाला गया है। तीसरा टाइप का जो एक नया टर्म इंश्योरेंस शुरू हुआ है, वो टर्म इंश्योरेंस विद 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट। तो ये भी एक तरीके का टर्म इंश्योरेंस है। यहां पर आप पॉलिसी के बीच में भी अपनी इंश्योरेंस को बंद करा सकते हैं, और जो अमाउंट आपने तब तक पे किया होगा वो आपको GST माइनस करके आपको वापस मिल जाता है। अब मुझे लगता है कि इन तीनों इंश्योरेंसेस में से जो हमारा ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, वो यहाँ पर बेटर इंश्योरेंस के तरीका है। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस, यहाँ पर हम चलेंगे, हमने यहाँ पर पॉलिसी बाजार की वेबसाइट खोली है, तो आप देखेंगे आप 20 से ज्यादा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके अपना डिसाइड कर सकते हैं। अब क्या चीजों को आपको यहाँ पर समझना है, पहली क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितनी यहाँ पर है। क्लेम सेटल्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे 97.8, 99.4%, 99.5%, तो ये बेसिकली ये दिखा रही है कि इस इंश्योरेंस कंपनी ने कितने परसेंट अमाउंट का अपना क्लेम सेटल किया है। तो ये एक एश्योरेंस एक तरीके से आपको देता है कि ये कंपनीज नॉर्मली अपना जो इंश्योरेंस जो आपने लिया होता है डेथ के केस में, आपके जो होल्डर्स हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको ये पैसा मिलता है। तो एक ये अच्छी चीज है जो आपको यहाँ पर कंपैरिजन के लिए
हेल्प करती है। इसके अलावा दो तीन चीजें और आपको जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो जरूर देखनी है। पहला, एक्सीडेंटल डेथ। तो इसमें सिंपली क्या होता है, एक्स्ट्रा पे आउट आपको मिलता है अगर आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंटल रीजंस में होती है, एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ होती है, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट का कुछ मान लीजिए 10 लाख 15 लाख एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। अब मुझे लगता है कि ये आप एक ऐसा एड ऑन है जो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे एडिशनल कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे एड ऑन नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट एड ऑन यहाँ पर आ जाता है कवर अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेसेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस मेंशन होगी, 34 इलनेस है जिसमें अगर आपको वो इलनेसेस डायग्नोस होती है तो उस केस में आपको एक फिक्स अमाउंट पे आउट किया जाएगा। और इसके अलावा एक और यहाँ पर चीज होती है जो यहाँ पर इस वक्त मुझे नहीं दिख रही, वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कोई हो जाती है तो उस केस में भी आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको यहां पर मदद करता है। तो ये दो एड ऑन्स मुझे लगता है जो आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब पॉलिसी बाजार के थ्रू अगर आप इसको लेते हैं तो एक तो आपको कंपेरिजन करने की एक ऑप्शन मिल जाती है, ऑनलाइन आपकी कन्वीनियंस काफी अच्छा हो जाता है, 24/7 यहाँ पर आपको क्लेम असिस्टेंस भी यहाँ पर मिलता है, एक डेडिकेटेड टीम आपको यहाँ पर मिल जाती है जो आपको क्लेम में असिस्ट करती है, 10% तक का आपको ऑनलाइन डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको 59 क्रिटिकल इलनेसेस तक की हेल्प भी मिलती है, और सिंस यहाँ पर आपको डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस भी मिलती है तो वो सारी हेल्प आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छा बात क्या है कि आप अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप टर्म इंश्योरेंस को करा रहे हैं। और दोस्तों साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको टर्म इंश्योरेंस कराना है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं या आपको लगता है कि आने वाले 1-2 साल में आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस कराना जरूरी है। और टर्म इंश्योरेंस आप जितना जल्दी कराएंगे उतना कम टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पे करना होगा, तो ये चीज भी आपको समझनी है। 30 साल की उम्र से पहले करा लेंगे तो आपको और कम इंश्योरेंस देना होगा, 40 साल की उम्र में कराएंगे तो आपके जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको हमेशा समझना है कि आपको कराना जरूरी क्यों है। और अगर आपके घर में आपको पता है कि 2-3 लोग हैं जो अर्निंग मेंबर हैं तो ईच अलग अलग लोगों की कराने से अच्छा है कि आप किसी एक का एटलीस्ट ये टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। और पॉलिसी बाजार का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप लोग भी टर्म इंश्योरेंस कराने के बारे में सोच रहे हैं तो लिंक पे जाकर आप पॉलिसी बाजार के थ्रू अपना टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।